चार बार लाठी चार्ज वहाँ, मतलब कई सौ लोग घायल वहाँ पे हुए हैं। तो ये इस तरह का जो तालिबान फरमान यहाँ का जो प्रशासन दे रहा है उसकी पूर्ण रूप से घोर निंदा किसान करते हैं। और एक की सबसे जो सरकारी तालिबानों के अधिकारी जो कमांडर हैं, जो अधिकारी हैं, जो ये कह रहा है कि हर एक का सिर फूट काना चाहिए, क्या कोई आईएएस अधिकारी इस तरह की बात कर सकता है? उसके खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करेगी? नहीं सरकार कार्रवाई करती तो उसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ नक्सल वाले क्षेत्र में कर देनी चाहिए ऐसे अधिकारी को, जो बैठे हुए किसान और बुजुर्गों पे लाठीचार्ज एक नहीं चर-चर जगह करते हैं। और इस तरह के कई सौ लोग हैं जिनका चोट लगी हुई है। यहाँ पे कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज है, हम यहाँ पे हैं इस टाइम पे करनाल के अंदर, और बहुत लोग जो है हमारे घायल है जिनको घर भेज दिया गया, वे फिर आ रहे हैं मेडिकल करवाने के लिए। तो सभी लोग इन चीज़ों को देखें और ध्यान दें सब चीज़ों के कि आज देश में हो क्या रहा है। पूर्ण रूप से बंदूक और लाठी के ताकत पे देश पे कब्जा करना चाहते हैं, पूरी संस्थाओं पे कब्जा करना चाहते हैं। हमको इसका पूर्ण रूप से पुरजोर विरोध करते हैं और सरकारों को ये चेतावनी देते हैं कि आप जो अधिकारी इस तरह के इस विचारधारा के अधिकारी के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। भाजपा और जजपा सरकार के संरक्षण में जो अधिकारी हैं वो ये ना भूलें, जो आज उनके संरक्षण में अधिकारी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि सर फोड़ दो देखते ही, असंवैधानिक और लोकतांत्रिक भाषा बोल रहे हैं, अहंकार जो कुर्सी पे लोग बैठे हैं उनका जो अहंकार है, ये अधिकारियों के अंदर वो अहंकार घुस के बोल रहा है। ये अधिकारी ये ना बोलें कि सत्ता आनी जानी, ये जो कह रहे हैं कि मैं लिख के आदेश देता हूँ, आने वाले समय में जो है हम भी ये लिख के देते हैं कि जब सरकारें बदलेंगी आने वाला समय किसान और मजदूर का होगा, और जब किसान और मजदूर की हितैषी सरकार बनेगी तो ऐसे अधिकारियों को हिसाब किताब देना पड़ेगा और सरकार तुरंत कार्रवाई करे। इंस्ट्रक्शंस देते दिख रहे हैं कि किस तरीके से बल प्रयोग किया जाना है। इस बारे में मैं सर्वप्रथम तो चूंकि उस वीडियो की जो लैंग्वेज है वो उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और उसमें इस वजह से प्रशासन का करनाल में मुखिया होने के नाते उन वर्ड्स पे मैं खेद प्रकट करता हूँ। वो शब्द जो है वो वीडियो में जो रखे गए जो उन्होंने कहे वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जो हमारे जो SDM हैं जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी, आप सबने क्योंकि करनाल में लगभग एक साल से वो सर्विस कर रहे हैं आपने सबने देखा है, सिंसियर ऑफिसर हैं, अपराइट ऑफिसर हैं, और हीट ऑफ द मोमेंट में जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो उनसे वो कुछ शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे, लेकिन जो उनका उद्देश्य था, इंटेंशन था, वो कहीं गलत नहीं थी। क्योंकि वो जो हमारा नाका था जहाँ पे उनकी ड्यूटी थी करनाल में, जो वेन्यू है उसके पास सिटी में रेलवे रोड पे, वो जो प्रोग्राम वेन्यू उससे थोड़ा ही दूर था और वो हमारा आखिरी नाका था। सबसे पहला नाका तो बस्ताड़ा टोल पे हो गया, फिर नमस्ते चौक पे हो गया, और तीसरा नाका ये था। तो उन्होंने फोर्स को ये बताया कि भाई जो भी लोग आपके जो भी लोग प्रोटेस्टर्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे इसका मतलब वो ऑलरेडी दो नाके तोड़ के आ चुके होंगे, और चूंकि जो दो नाके तोड़ के आ गया है, हाईवे जाम करके आया है, वो ऑलरेडी उसने लोगों को तोड़ दिया है और आगे प्रोग्राम चल रहा है, अगर हमारे नाके से भी आगे निकल गए तो वैंडलिज्म करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लूटपाट करेंगे वेन्यू की, इसलिए हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से प्रोटेस्टर्स को बाहर नहीं आगे नहीं जाने देना है, हमें उनको रोकना है, समझाना है, बातचीत करनी है, और फिर भी कोई ना माने तो बल प्रयोग करना है, डंडे मारने हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जो ब्रीफिंग थी उसका कुछ पोर्शन, कुछ उनका टेलर्ड जो वर्जन है कट करके मीडिया में प्रस्तुत किया गया, जबकि जो उनकी पूरी ब्रीफिंग थी वो नहीं बताई गई कि उन्होंने किस तरीके से फोर्स को प्रॉपरली ब्रीफ किया। और उसमें उन्होंने पूरी बात कही है कि अगर हमारे पास प्रोटेस्टर्स आते हैं शहर के अंदर रेलवे रोड पे प्रोग्राम साइट के पास तो हम उनको समझाएंगे, रोकेंगे, यहीं बिठा लेंगे, फिर भी नहीं मानते और प्रोग्राम पे जाने की लूटपाट तोड़फोड़ करने की जिद करते हैं तो फिर हम उन पे बल प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे हमने इनको रोकना है क्योंकि आगे कोई और फोर्स नहीं है, कोई और नौका नहीं है, और सीधा वो फिर उस पे प्रोग्राम का जो वेन्यू है उस पे तोड़फोड़ करेंगे। जी मैंने वीडियो नहीं देखा, बट एज पर CRPC ब्रीफिंग भी है
और स्टोन पेल्टिंग भी शुरू हो चुका था काफी जगह। तो इन रिस्पांस एज पर सीआरपीसी प्रोपोर्शनेट फोर्स का प्रावधान है, तो मैं चेक करके फिर कमेंट कर दूंगा। आपने कहा कि कोई भी किसी तरह की भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लाठ मारो और इसको अब वीडियो वायरल हो रहा है, सीएम साहब भी कह रहे हैं इंक्वायरी करेंगे जी। एज पर सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे, एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज किया होगा। जैसे मैंने बताया स्टोन पेल्टिंग का इशू था, जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और डैमेज होंगे तो कहीं पे उसका रिस्पांस प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। ऑल्दो वो ब्रीफिंग का पार्ट था प्रोपोर्शनेटली कि पहले वाटर कैनन ये वाला थिंग और बाकी मैं चेक करके फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू। हम पूरी रात नहीं सोए यार, दो दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, आप तो सो के आए हो थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी खींच रहा है अपने 6 घंटे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर खुदा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.